हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यू आर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साउंड वेव। के आज के इस लेक्चर में हम डोपलर्स इफेक्ट को पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, डोपलर्स इफेक्ट क्या होता है। मान लो ट्रेन आराम से खड़ी हुई है, रेस्ट पे है प्लेटफॉर्म पे, और उसका सायरन बज रहा है, मतलब उसका हॉर्न बज रहा है, ठीक है। तो उसकी आवाज़ सुनना, तो और एक केस है, मान लो ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है, मतलब आपकी तरफ आ रही है, तो उसकी आवाज़ सुनना। तो अब की बार है ना, उसकी आवाज़ पतली सुनाई देगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। यही है डोपलर्स इफेक्ट। और मान लो वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा रही है, अवे फ्रॉम प्लेटफॉर्म, मतलब हमारे से दूर जा रही है, तो उसकी आवाज़ हमें मोटी सुनाई देगी, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ना, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी, जो हमें सुनाई देगी, मतलब हमें आवाज़ मोटी सुनाई देगी। तो ये जो अपीयरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है ना, एज हियर्ड बाय अस या एज हियर्ड बाय ऑब्जर्वर, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इट इज कॉल्ड डोपलर्स इफेक्ट। तो ये जो अपीयरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है ना, ये तभी आएगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन हो, ठीक है। तो देखो, मान लो कोई कार, मान लो या ट्रेन, आपकी मर्जी है, ये कोई कार है, ठीक है। मान लो ये रेस्ट पे है, ये इसका क्या हो गया, सायरन ओरन, ठीक है। और आप यहां पे खड़े हुए हो, मतलब ये ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर मान लो रेस्ट पे है और कार भी आराम से खड़ी हुई है, ठीक है। तो मान लो इसका सायरन ऑन है, ओरन बज रहा है, तो इसकी आवाज सुनना, ठीक है। और मान लो ये जो साउंड एमिट करेगा ना, इसका जो सायरन, मान लो एफ फ्रीक्वेंसी की एमिट करेगा, और इसकी आवाज सुनना, ठीक है। तो देखो, यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है ना बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, दोनों रेस्ट पे हैं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो हमें एफ फ्रीक्वेंसी की ही आवाज सुनाई देगी, ठीक है। और अब देखो, मान लो ये जो ऑब्जर्वर है, ये इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, और इसके पीछे कार है, ये कार का हॉर्न हो गया सायरन, ये सोर्स होगी, और कार भी 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है ना, ठीक है, देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, दोनों 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं ना सेम डायरेक्शन में, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और मान लो इसका सायरन ऑन है, तो इसको जो ऑब्जर्वर को जो आवाज सुनाई देगी ना, एफ फ्रीक्वेंसी की ही आवाज सुनाई देगी, जितनी यहां पे दे रही थी। यहां पे भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं, यहां पे भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में देर विल बी नो डोपलर इफेक्ट। जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगी, ठीक है। अब देखो, डोपलर इफेक्ट कहां पे आएगा, जब सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन होगा, वहां पे डोपलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल बी डिफरेंट एज दैट ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मान लो ये ऑब्जर्वर है, हम हैं आराम से खड़े हुए हैं ग्राउंड पे, रेस्ट पे, और ये कार है, वही कार है, ये इसका सायरन हो गया, ये कार मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, ठीक है, और इसका सायरन ऑन है। तो देखो, ये कार चल रही है ना, यहां पे रिलेटिव मोशन है बिटवीन
सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो देखो ये एफ फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा अब जो आवाज है ना आपको पतली सुनाई देगी, क्योंकि ये आपकी तरफ आ रही है और रिलेटिव मोशन भी है, यहां से इन दोनों से पतली आवाज सुनाई देगी, पतली आवाज मतलब पिच क्या होगी आवाज की अब ज्यादा, जो कि हमें सुनाई देगी, ठीक है। तो एफ डैश जो जिस फ्रीक्वेंसी की हमें आवाज सुनाई देगी वो एफ से ज्यादा होगा, ठीक है, पतली आवाज सुनाई देती है। देखा होगा हम यहां पे आराम से खड़े हुए हैं और ये गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, ऑब्वियसली देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सायरन ऑन है। तो अब की बार इस ओरन की जो आवाज है ना हमें पतली सुनाई देगी, मतलब पिच ज्यादा होगी उस आवाज की जो कि हमें सुनाई देगी, मतलब अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश विल बी ग्रेटर देन एफ। ये देखा होगा ये यही है डॉपलर इफेक्ट। और इसका दूसरा केस देखो, यही ऑब्जर्वर यहां पे आराम से रेस्ट पे खड़ा हुआ है, अब की बार गाड़ी उस तरफ जा रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से उस तरफ जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। ये सोर्स हो गया, तो अब की बार आवाज है ना ओरिजिनल से मोटी सुनाई देगी, मोटी आवाज देखा भी होगा सायरन की, मोटी आवाज सुनाई देगी जो यहां पे सुनाई दे रही थी ना उससे मोटी, और यहां पे जो यहां पे सुनाई दे रही थी उससे पतली, और यहां पे जो यहां पे सुनाई दे रही थी उससे मोटी आवाज, ठीक है। रिलेटिव मोशन है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो जो एफ डैश आएगा ना वो एफ से कम आएगा, यहां पे पिच क्या होगी आवाज की कम होगी जो कि हमें सुनाई देगी, मोटी आवाज सुनाई देगी ना, तो इसका मतलब पिच कम होगी, ठीक है। और देखो यहां पे जो हमें जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई दे रही है ना उसका मतलब है आवाज के पतलेपन या मोटेपन से, आवाज कितनी ज्यादा सुनाई दे रही है मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस केस में देखो जैसे ये कार हमारी तरफ आती जाएगी ऑब्वियसली इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ती जाएगी क्योंकि हमारी तरफ आ रही है, ठीक है, आवाज और ज्यादा सुनाई देगी ना और तेज, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगी ना एफ डैश, चाहे कार यहां पे हो या यहां पे हो या यहां पे हो, चल रही है लेकिन 10 मीटर पर सेकंड से, एफ डैश उतना ही आएगा ऑब्वियसली एफ से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो जो ये अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है ना ये सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ऐसे यहां पे देखो जैसे कार उस तरफ जाती जाएगी तो आवाज मोटी सुनाई देगी, इन दोनों केसेस से मोटी सुनाई देगी, ऐसा होता भी है, मतलब एफ डैश विल बी लेस देन एफ, ठीक है। और जैसे कार दूर जाती जाएगी ना, चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, साउंड की जो इंटेंसिटी है ना ऑब्वियसली कम होती जाएगी, लेकिन यहां पे डॉपलर इफेक्ट में साउंड की इंटेंसिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, आवाज के मोटेपन या पतलेपन से मतलब है, ठीक है, चाहे कार यहां पे हो या यहां पे हो लेकिन चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। तो जिस फ्रीक्वेंसी की हमें आवाज सुनाई देगी ना एफ डैश वो सेम होगी, मतलब जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है ना इन केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी की हमें आवाज सुनाई दे रही है अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश, वो सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हाँ जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो तो घटती जाएगी, कार उस तरफ जाती जाएगी घटती जाएगी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है ना, लेकिन एफ डैश जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है वो तो वही रहेगी ना, जो कि ऑब्वियसली एफ से कम आएगी लेकिन वही रहेगी चाहे कार यहां पे हो या यहां पे हो, ठीक है। तो जब रिलेटिव मोशन होगा ना बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर तभी डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट एज दैट ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जब कार हमारी तरफ आ रही हो और कार मूव कर रही है तो देखा होगा आवाज पतली सुनाई देती है सायरन की, मतलब पिच ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, कार हमसे दूर जा रही है, ठीक है, तो मोटी आवाज सुनाई देती है, देखा होगा मतलब अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी,
मतलब साउंड की पिच कम हो जाती है, मोटी आवाज सुनाई देती है, तो रिलेटिव मोशन होगा ना बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तभी डोपलर्स इफेक्ट प्ले में आता है। मतलब आवाज का पतलापन मोटापन वही है डोपलर्स इफेक्ट, जब रिलेटिव मोशन हो बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो आज के इस लेक्चर में हम डोपलर्स इफेक्ट के वेरियस केसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट केस क्या है, जब सोर्स रेस्ट पे हो और ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, सोर्स रेस्ट पे हो और ऑब्जर्वर जो है ना वो मूव कर रहा हो, ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन है ना बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो डोपलर इफेक्ट प्ले में आएगा, ठीक है। तो देखो मान लो ये सोर्स है, साउंड सोर्स, ठीक है, साउंड सोर्स रेस्ट पे है, ये क्या है रेस्ट पे, और यहां पे मेरा ऑब्जर्वर है O1, ये इस तरफ मूव कर रहा है V नॉट स्पीड से, और एक ऑब्जर्वर यहां पे है जो कि इस तरफ मूव कर रहा है V नॉट स्पीड से। साउंड सोर्स रेस्ट पे ये ध्यान रहे, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये O2 ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। तो ये दो केस, ये कौन सा है, जब ऑब्जर्वर साउंड सोर्स की तरफ मूव करे, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, और ये केस कौन सा है, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। इसमें भी दो केस आएंगे, जब सोर्स रेस्ट पे हो ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, एक तो केस जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे, और एक केस जब ऑब्जर्वर सोर्स से अवे मूव करे, ठीक है। तो मान लो v है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो देखो ये जो सोर्स है साउंड का, सोर्स साउंड एमिट करेगा, तो ये क्या है, सक्सेसिव एक्सेस प्रेशर मैक्सिमाज, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं और एक्सेस प्रेशर मैक्सिमाज है, या प्रेशर मैक्सिमाज, स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे ना, ठीक है, ये प्रेशर मैक्सिमाज है, सक्सेसिव प्रेशर मैक्सिमाज। तो देखो साउंड सोर्स से सबसे पहले ये निकला होगा, ये वाला जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये बड़ा होता गया, फिर उसके बाद में ये निकला होगा, ये बड़ा होता गया, फिर उसके बाद में ये वाला निकला होगा, ये बड़ा होता गया, ठीक है। इनकी रफ्तार क्या आएगी वेव फ्रंट्स की, v स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, और ये सक्सेसिव प्रेशर मैक्सिमाज हैं, तो इनके बीच की जो सेपरेशन आएगी वो लैम्बडा के बराबर आएगी, वो कैसे, जैसे देखो ट्रांसवर्स वेव होती है, उसी से मैं कंपेयर करवाऊंगा इसको, क्रस्ट का मैक्सिमा मतलब मिडिल ऑफ क्रस्ट, मिडिल ऑफ क्रस्ट मैक्सिमा हो गए ना, मिडिल ऑफ क्रस्ट, इनके बीच की सेपरेशन कितनी होती है लैम्डा, कंजेगेटिव मिडिल ऑफ क्रस्ट के बीच की, ठीक है। तो ऐसे ये क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं और सक्सेसिव प्रेशर मैक्सिमाज हैं, तो इनके बीच की सेपरेशन क्या आएगी लैम्डा, ठीक है। और देखो मान लो ये एफ फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव एमिट कर रहा है,
तो f कितना आ जाएगा, v बाय लैम्डा। सही बात है। और देखो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, प्रेशर मैक्सिमाज, ये और बड़े होते जाएंगे, समझ रहे हो ना। ऐसे ये भी और बड़ा, ये भी और बड़ा, और यहां से इनके तीनों के अलावा भी और प्रेशर मैक्सिमाज निकलेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रहे। ये क्या है, स्टैटिक पिक्चर है, ठीक है। तो अब देखो इस ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देगी वो किस फ्रीक्वेंसी की देगी, मान लो एफ डैश, वो क्या आएगा, इज इक्वल टू वी डैश बाय में लैम्डा। इसको क्या लग रहा है, वेवलेंथ, लैम्डा ही तो महसूस होगी इसको वेवलेंथ। ऐसे इसको भी जो वेवलेंथ है वो भी लैम्डा ही महसूस होगी। तो इस वाले ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देगी ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, साउंड की किस फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी, मतलब अपीरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश, वो क्या होगा, वी डैश बाय लैम्डा। अब वी डैश क्या है, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ओ वन। तो देखो ये जो वास्तविकता में ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, प्रेशर मैक्सिमाज, ये ऐसे भी स्पीड से बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस ओ वन ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू साउंड की स्पीड क्या आई यूजिंग रिलेटिव मोशन, इस तरफ वी नोट लगा दो तो यहां पे भी वी नोट लगाना पड़ेगा, तो क्या है, वी प्लस वी नोट, समझ रहे हो। तो एफ डैश मतलब जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हियर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर, वो हो जाएगी वी प्लस वी नोट बाय में लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, वी बाय एफ, वी बाय एफ, ठीक है। तो ये आ गई। सबसे पहले मैं ये केस डील कर रहा हूं जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो साफ दिखाई दे रहा है एफ डैश एफ से ज्यादा होगा, मतलब इस ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देगी ना वो रियल से पतली सुनाई देगी, रियल से पतली साउंड सुनाई देगी, और ऐसा होता भी है, ठीक है। मतलब देखो इसको आप महसूस करना चाहते हो, कोई ऑब्जर्वर है जो कि यहां पे है, ओ थ्री ऑब्जर्वर रेस्ट पे, उसको जो आवाज सुनाई देगी ना वो एफ फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी, ठीक है। इसको जो आवाज सुनाई देगी एफ डैश फ्रीक्वेंसी की, जो कि एफ से ज्यादा होगी, इसको इससे जो आवाज, इसको जो आवाज सुनाई देगी ना उससे पतली आवाज इसको सुनाई देगी, ठीक है। तो इसको रियल से पतली आवाज सुनाई देगी, और ऐसा होता भी है, सोर्स रेस्ट पे हो, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स सोर्स, तो ऑब्जर्वर को पतली आवाज सुनाई देती है, रियल से पतली, मतलब अपीरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। मतलब पिच ज्यादा हो जाएगी, इसको ज्यादा पिच की आवाज सुनाई देगी, पिच ज्यादा। अब आओ इस केस पे, जब ऑब्जर्वर सोर्स से अवे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको किस फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी एफ डैश, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगा, वी डैश बाय में लैम्डा। इसको क्या महसूस हो रहा है, साउंड की वेवलेंथ लैम्डा, और है भी इतनी, तो वी डैश बाय लैम्डा। अब वी डैश क्या है, इस ओ टू ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू साउंड की स्पीड, वी डैश वो है। अब देखो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है वी स्पीड से, वही साउंड की स्पीड है इन एयर,
लेकिन इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू इस वेव फ्रंट की स्पीड वो क्या आएगी यूजिंग रिलेटिव मोशन, वी डैश आएगी। तो इसको रेस्ट पे करना पड़ेगा, ऐसे वी नोट लगाना पड़ेगा, तो यहां पे भी तो क्या आ जाएगी इस तरफ वी माइनस वी नोट, समझ रहे हो। तो एफ डैश कितना आ गया वी माइनस वी नोट बाय में लैम्डा। अब एफ क्या वी बाय लैम्डा, लैम्डा कितना हो जाएगा वी बाय एफ। तो देख सकते हो एफ डैश एफ से कम आया, ठीक है। मतलब इस ऑब्जर्वर को जो आवाज सुनाई देगी ना वो रियल से मोटी सुनाई देगी, रियल साउंड से मोटी, रियल से मोटी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। तो देखो सोर्स रेस्ट पे और ये वाला ऑब्जर्वर रेस्ट पे, इसको जो आवाज सुनाई दे रही है ना वो रियल सुनाई दे रही है एफ फ्रीक्वेंसी की। इस ऑब्जर्वर को जो आवाज सुनाई देगी ना इसको मोटी सुनाई देगी, इसको जो सुनाई दे रही है उससे मोटी आवाज इसको सुनाई देगी, और इसको इसको जो सुनाई दे रही है ना उससे पतली आवाज इसको सुनाई देगी, ठीक है। तो मतलब एक तरह से यहां पे पिच कम, कम पिच की साउंड सुनाई देगी इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं डॉपलर इफेक्ट के, ये तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये ध्यान रहे जो शुरुआती दौर में जो हम डॉपलर इफेक्ट को पढ़ेंगे ना, ये फर्स्ट केस ऐसे, सेकंड केस आएगा, थर्ड केस, इनमें मैंने ऐसा माना कि नो विंड ब्लोविंग, ठीक है, नो विंड ब्लोविंग मतलब एक तरह से आवाज नहीं चल रही, ठीक है ना। तो है ये केस वी क्या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था जब सोर्स रेस्ट पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, और इसमें भी दो केस हैं, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर सोर्स से अवे मूव कर रहा हो। तो जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा तो इसको पतली आवाज सुनाई देगी, इसको मोटी आवाज सुनाई देगी, ऐसा होता भी है। एफ डैश अपीरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन एफ, एफ डैश अपीरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन एफ, ज्यादा पिच की आवाज सुनाई देगी, कम पिच की आवाज सुनाई देगी, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट केस, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा और सोर्स मूव कर रहा होगा, ठीक है, और अभी हम जो ये केसेस पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट केस पढ़ चुके हैं, अब सेकंड केस पढ़ेंगे, फिर थर्ड, इनमें हम ये मान रहे हैं कि कोई आवाज नहीं चल रही, नो विंड ब्लोविंग। ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं अपीरेंट फ्रीक्वेंसी के डॉपलर इफेक्ट में, ये किसके लिए आ रहे हैं, जब कोई आवाज नहीं चल रही, ठीक है। तो अब देखो सेकंड केस, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो, ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो और सोर्स मूव कर रहा हो, सोर्स इज मूविंग, ठीक है। तो देखो मान लो ये मेरा सोर्स है, साउंड सोर्स है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ साउंड सोर्स ऐसे क्या है Vs, ठीक है। और मान लो ये मेरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर वन ये रेस्ट पे है, और ये ऑब्जर्वर नंबर टू ये भी रेस्ट पे है, यहां पे केवल सोर्स मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पे दो केस बनेंगे, जब सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव करे और जब सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव करे,
पहला केस सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये वाला केस लेफ्ट वाला, और दूसरा सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और मान लो वी क्या है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वी है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। और मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, मतलब इस साउंड सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एस है, एफ क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एक तरह से। तो अब देखो ये सोर्स यहां पे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में वीएस कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो अब देखो ये सोर्स ऑब्वियसली साउंड भी एमिट कर रहा है, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मतलब प्रेशर मैक्सिमाज भी एक तरह से निकालेगा ना अपने अंदर से, बिल्कुल निकालेगा। तो जब सोर्स यहां पे है और मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, रेस्ट पे नहीं है, मूव कर रहा है, जब सोर्स यहां पे है तो मान लो इसने अपना पहला क्या निकाला, स्फेरिकल वेव फ्रंट अपने अंदर से जस्ट निकाला प्रेशर मैक्सिमा, और फिर सोर्स यहां पे गया तो दूसरा प्रेशर मैक्सिमा निकाला, स्फेरिकल वेव फ्रंट जस्ट निकाला, और सोर्स यहां पे गया तो जस्ट तीसरा स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रेशर मैक्सिमा जस्ट निकाला, फिर सोर्स चलता चलता कुछ यहां पे पहुंचा, ठीक है। सोर्स की स्पीड क्या है वीएस। तो अब देखो जब सोर्स यहां पे था ना और सोर्स चल रहा था साउंड सोर्स, तो जस्ट फर्स्ट प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट जस्ट निकला था, तो जब सोर्स यहां से यहां चल के पहुंच गया ना इतना इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो जब यहां से जस्ट वो फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रेशर मैक्सिमा निकला था तो वो बड़ा हो चुका होगा, जब सोर्स यहां पे पहुंच चुका होगा सेंटर ये होगा, क्योंकि जो पहला प्रेशर मैक्सिमा निकला था स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां से निकला था तो उसका सेंटर तो यही रहेगा ना, ठीक है। स्कोर अच्छे से ड्रॉ करो, ठीक है। ये क्या है, जो सबसे पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट निकला था ना प्रेशर मैक्सिमा, जो सबसे पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रेशर मैक्सिमा निकला था ये वो है, और ये इसकी जो ये हालत दिखाई दे रही है ना कब है, जब ये सोर्स यहां से चल के यहां पे पहुंच गया, ठीक है, तो इसका सेंटर तो ये रहेगा क्योंकि ये निकला तो यहां से था जब ये सोर्स यहां पे था, ठीक है। ये सोर्स इस तरफ चलता गया, ये बड़ा होता गया, तो जब सोर्स यहां पे पहुंचा तो ये बड़ा हो गया, इतना हो चुका है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट, ये बी और ये सी, तो जब सोर्स यहां से चलता चलता यहां पे पहुंचा बी पे, तो दूसरा प्रेशर मैक्सिमा निकला, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकला, उसका सेंटर तो यही रहेगा क्योंकि वो यहां से निकला है, सेकंड प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। जब सोर्स यहां से यहां पहुंचा है बी से एस चलता चलता, तो जो यहां पे सेकंड प्रेशर मैक्सिमा निकला था ना वो बड़ा हो चुका होगा, उसका सेंटर ये होगा, ठीक है ना। तो जब मेरा सोर्स यहां पे पहुंचा तो जो सेकंड प्रेशर मैक्सिमा है ना वो कुछ ही हालत में होगा, तो जो थर्ड प्रेशर मैक्सिमा निकला स्फेरिकल वेव फ्रंट वो सी पे निकला, जब मेरा सोर्स सी पे था, सी से पास हो रहा था, तो फिर सी से एस गया मेरा सोर्स, तो इतने में वो जो थर्ड प्रेशर मैक्सिमा वो बड़ा होता गया ऑब्वियसली,
उसका सेंटर ये होगा क्योंकि थर्ड प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां से निकला है, ठीक है। ठीक है, तो ये सक्सेसिव प्रेशर मैक्सिमाज है, सक्सेसिव प्रेशर मैक्सिमाज, ठीक है। तो मान लो ये और ये ऑब्वियसली सेम आएगी। मान लो ये लैम्डा वन डैश, ये भी ऑब्वियसली लैम्डा वन डैश आएगी, यहां पे कम आएगी, ये और ये सेम आएंगे लेकिन कुछ कम आएंगे, लैम्बडा टू डैश, ठीक है। और देखो ये प्रेशर मैक्सिमाज जो सबसे पहले प्रेशर मैक्सिमा निकला था ये था, और वो ए से निकला था, समझो, जब सोर्स यहां से पास हो रहा था। और जो ये दूसरे वाला प्रेशर मैक्सिमा है वो बी से निकला था, इसका सेंटर, दूसरे का सेंटर बी, पहले का सेंटर ए। और जो थर्ड प्रेशर मैक्सिमा निकला था वो सी से निकला था, मतलब थर्ड वाले का इसका सेंटर सी, ठीक है। हाँ, जब सोर्स एस पे पहुंच चुका है तो पहला प्रेशर मैक्सिमा की कुछ हालत ये होगी, सेकंड प्रेशर मैक्सिमा की हालत ये होगी, थर्ड प्रेशर मैक्सिमा की हालत ये होगी। और जैसे अब सोर्स आगे जाता जाएगा, ये और बड़े होते जाएंगे, इसका सेंटर ए रहेगा, इसका सेंटर बी रहेगा, इसका सेंटर सी रहेगा, हाँ ये और बड़े होते जाएंगे, और सोर्स आगे जाता जाएगा और फोर्थ प्रेशर मैक्सिमा भी निकलेगा सोर्स से, फिफ्थ भी, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो क्या है, वी। तो इन प्रेशर मैक्सिमाज की स्पीड तो वी होगी ना, ऐसे, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर को किस फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी, एफ डैश, वो क्या होगी, वी डैश बाय में लैम्बडा वन डैश। इस ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है ना कि साउंड की वेवलेंथ लैम्बडा वन डैश है, इस ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है, तो वी डैश बाय में, इसलिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, लैम्बडा वन डैश। अब वी डैश क्या है, साउंड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, और वास्तविकता में ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं प्रेशर मैक्सिमाज, ये ऐसे वी से बढ़ रहे हैं, तो वी डैश यहां पे क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। तो वी बाय में लैम्बडा वन डैश, ठीक है। अभी लैम्बडा वन डैश निकालेंगे थोड़ी देर में, तभी एफ डैश निकलेगा। और देखो जो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ना साउंड सोर्स की एफ, वो क्या आएगी, वी बाय लैम्बडा, ठीक है। अभी लैम्बडा क्या है वो थोड़ी देर में समझ में आएगा, मतलब अगर ये साउंड सोर्स रेस्ट पे होता, यही साउंड सोर्स, तो ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आते ना, सक्सेसिव प्रेशर मैक्सिमाज, इनके बीच की दूरी क्या होती, लैम्बडा, ये वही लैम्बडा है, अगर यही साउंड सोर्स रेस्ट पे होता तो ऐसे बनते हैं ना सक्सेसिव प्रेशर मैक्सिमाज, तो ये लैम्बडा आता। तो अब देखो इस ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी, एफ डैश, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, वी डैश बाय में लैम्बडा टू डैश। तो देखो इस ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है ना कि वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा टू डैश, इसलिए लैम्बडा टू डैश लिखा है, ठीक है। अब वी डैश क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और ये वेव फ्रंट्स ऐसे वी से बढ़ रहे हैं, तो वी डैश क्या हो जाएगा, वी, तो मतलब वी बाय में लैम्बडा टू डैश। अब लैम्बडा वन डैश और लैम्बडा टू डैश निकालो, ठीक है, तभी तो यहां पे एफ डैश निकलेंगे, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हियर्ड बाय दीज टू ऑब्जर्वर। तो देखो मान लो ये जब साउंड सोर्स यहां पे था, और ध्यान रहे वी एस स्पीड से चल रहा है साउंड सोर्स, मान लो जब यहां पे था तो जस्ट पहला प्रेशर मैक्सिमा जस्ट निकला, ठीक है, जस्ट निकला, देखो मैं दिखा रहा हूं, जस्ट निकला है बस, और
जैसे साउंड सोर्स आगे की तरफ बढ़ा, साउंड सोर्स भी ये स्पीड से चल रहा है ना, तो जब यहां पे पहुंचा साउंड सोर्स, तो मान लो जस्ट दूसरा निकला, जस्ट सेकंड स्फेरिकल वेव फ्रंट एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा निकला, तो इतने में ये जो पहले वाला निकला था अब ये बड़ा हो चुका होगा। हाँ सेंट्री यही रहेगा, पहले वाला अब बड़ा हो चुका होगा जब साउंड सोर्स यहां पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, देख सकते हो। और मान लो ये टी इज इक्वल टू जीरो टाइम था जब सोर्स यहां पे था, और ये टी इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन बाय कैपिटल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी टाइम में ये जो पहले वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये कितना चलेगा, लैम्बडा चलेगा ना, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, लैम्बडा, और ये भी क्या आएगा, लैम्डा, सीधी सी बात है। ठीक, तो अब देखो ये कितना आएगा, सोर्स यहां से आ गया ना, ये दूरी कितनी आएगी, वी एस इंटू में कैपिटल टी, वी एस इंटू में कैपिटल टी, और लैम्बडा वन डैश एक तरह से ये है, ये क्या है, ये दूरी, समझ रहे हो, ये दूरी, ये क्या है, लैम्बडा वन डैश, लैम्बडा वन डैश, और ये दूरी क्या है एक तरह से, लैम्बडा टू डैश। तो देखो जब सोर्स यहां पे था, पहले वाला प्रेशर मैक्सिमा जस्ट निकला था, तो यहां से यहां पहुंचा सोर्स, मान लो कैपिटल टी टाइम, सोर्स ने कितनी दूरी थी तय की, वी एस टी, और सोर्स चल रहा है वी एस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो पहले वाला जो प्रेशर मैक्सिमा निकला था जब सोर्स यहां पे पहुंच गया वो इतना बड़ा हो चुका होगा, ठीक है ना, लैम्बडा लैम्बडा, और जब सोर्स यहां पे पहुंचा है कैपिटल टी टाइम पे, तो सेकेंड वाला प्रेशर मैक्सिमा जस्ट निकला होगा, तो ये लैम्बडा वन डैश आ जाएगा और ये लैम्बडा टू डैश आ जाएगा। तो देखो अब यहां से लैम्बडा वन डैश ये कितना है, ये कितना होगा, लैम्बडा प्लस वी एस टी, कैपिटल टी वन बाय एफ हो जाएगा। अब लैम्बडा टू डैश ये क्या होगा, तो अब देखो लैम्बडा टू डैश ये क्या होगा, लैम्बडा माइनस वी एस टी और कैपिटल टी वन बाय एफ। ठीक है, तो यहां से एफ डैश मतलब इस ऑब्जर्वर को किस फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी, एफ डैश वी बाय लैम्बडा वन डैश, तो वी बाय में लैम्बडा वन डैश की वैल्यू लैम्बडा प्लस वी एस बाय एफ। ठीक है, तो अब देखो लैम्बडा की वैल्यू ये क्या आई, वी बाय एफ, यहां पे पुट कर दो वी बाय एफ, तो ये कितना हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस और बाय में f, ये f ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो f डैश ये आ गया यहां पे, और यहां पे f डैश कितना आएगा, v बाय में लैम्बडा टू डैश। अब लैम्बडा टू डैश कितना आया, लैम्बडा माइनस वी एस बाय में f, लैम्बडा की वैल्यू वी बाय एफ माइनस वी एस बाय एफ, तो एफ डैश कितना आ गया, वी बाय में वी माइनस वी एस इंटू में एफ, ये आ गया। तो देखो यहां पे एफ डैश एफ से कम आया ऑब्वियसली, और यहां पे एफ डैश एफ से ज्यादा आया, तो मतलब इस ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देगी ना वो रियल से पतली सुनाई देगी, रियल से पतली आवाज सुनाई देगी, और इसको रियल से मोटी आवाज सुनाई देगी, रियल से मोटी आवाज सुनाई देगी। ठीक है, मतलब अगर ये साउंड सोर्स रेस्ट पे होता, इस ऑब्जर्वर को जो आवाज सुनाई देती
ऑब्वियसली एफ फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अब ये साउंड सोर्स इस तरफ चल रहा है ना, ऑब्जर्वर्स रेस्ट पे हैं, तो अब की बार इस ऑब्जर्वर को रियल से मोटी आवाज़ सुनाई देगी और इस ऑब्जर्वर को रियल से पतली आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ पे पिच ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, ठीक है, जो आवाज़ सुनाई देगी ना उस ऑब्जर्वर को, तो उस आवाज़ की पिच ज़्यादा होगी, यहाँ पे पिच कम होगी, ठीक है। और ध्यान रहे ये फॉर्मूले तब है जब कोई आवाज़ नहीं चल रही, नो विंड ब्लोइंग, ये सेकंड केस था। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों इम्पोर्टेंट हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। अब आओ थर्ड केस पे, ठीक है, अब आओ थर्ड केस पे। तो जो थर्ड केस है ना, उसमें क्या होगा, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे होंगे, ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे होंगे थर्ड केस में, केस नंबर थर्ड, ठीक है। सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे होंगे केस नंबर थर्ड में, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूविंग, ये केस नंबर थर्ड, ठीक है। तो केस नंबर थर्ड में देखो क्या है, सोर्स इस डायरेक्शन में वीएस से चल रहा है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर नंबर वन इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से चल रहा है, वी नोट से, और ये ऑब्जर्वर नंबर टू इस डायरेक्शन में वी नोट से चल रहा है, ठीक है, वी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। तो ये केस कौन सा हो गया, ये केस कौन सा हो गया, जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव कर रहे हो अवे, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, लेफ्ट वाला केस कौन सा हो गया, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट वाला केस सोर्स और ऑब्जर्वर मूव कर रहे हो टूवर्ड्स ईच अदर, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो अब देखो वी क्या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कुछ ऐसे सक्सेसिव प्रेशर मैक्सिमाज बनेंगे, ठीक है, वही पिछले वाले केस के, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया, और ये केस भी वही रहेगा पिछले वाले केस जैसा, ठीक है। लेकिन अब की बार ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में वी नोट से चल रहा है, ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में वी नोट से चल रहा है, और सोर्स इस डायरेक्शन में वी एस से चल रहा है, तो ये लेफ्ट वाला केस कौन सा है, जब ऑब्जर्वर और सोर्स मूव कर रहे हो एक दूसरे से दूर, अवे फ्रॉम ईच अदर, और ये वाला केस है राइट वाला, जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव कर रहे हो टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। एफ क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है, जो कि वी बाय लैम्बडा होगी, वन बाय कैपिटल टी लैम्बडा, ये समझ में आ गया ये क्या था, बिल्कुल प्रीवियस केस जैसा है। अब देखो इस वाले ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी आवाज की, अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश, वो क्या होगी, वी डैश बाय में लैम्बडा वन डैश, इस वाले ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी साउंड सोर्स की अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी, वी डैश बाय में लैम्बडा टू डैश। अब वी डैश क्या है, यहां पे वी डैश क्या है, लेफ्ट साइड में साउंड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो देखो वास्तविकता में ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ऐसे वी से चल रहे हैं, ठीक है, हाँ इनके सेंटर्स अलग अलग हैं क्योंकि सोर्स चल रहा है ना,
तो ये जो साउंड है, साउंड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या हो जाएगी यूजिंग रिलेटिव मोशन, वी माइनस वी नोट। ऐसे वी नोट चल जाएगा, ऐसे वी नोट लग जाएगा ना, अगर इस ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाना चाहते हो तो यहाँ पे वी नोट लगाया तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी वी माइनस वी नोट। ऐसे ही यहाँ पे वी डैश क्या हो जाएगा, साउंड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाओ, ऐसे वी नोट लगाना पड़ेगा तो यहां पे भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी वी प्लस वी नोट। लैम्डा वन डैश बिल्कुल प्रीवियस केस वाला है, लैम्डा टू डैश ये, ठीक है। तो एफ डैश निकालो, वी डैश वी माइनस वी नोट बाय में लैम्डा वन डैश लैम्डा प्लस वी एस बाय एफ। अब यहाँ पे राइट वाले केस में एफ डैश निकाल लो, वी डैश वी प्लस वी नोट बाय में लैम्डा टू डैश लैम्डा टू डैश लैम्डा माइनस वी एस बाय एफ। अब लैम्डा की वैल्यू क्या है, वी बाय एफ यहाँ पे पुट कर दो, तो वी माइनस वी नोट वी बाय एफ प्लस वी एस बाय एफ। तो यहाँ से एफ डैश कितना आ गया, वी माइनस वी नोट बाय में वी प्लस वी एस इंटू में एफ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखने लायक है, यहां से ऐसे ही एफ डैश कितना आ जाएगा, लैम्डा की जगह क्या पुट करो, वी बाय में एफ, तो वी प्लस वी नोट डिवाइडेड बाय वी बाय एफ माइनस वी एस बाय एफ। तो ये हो जाएगा वी प्लस वी नोट डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस इंटू में एफ, ठीक है। तो अब देखो यहां पे एफ डैश एफ से ज्यादा आया, मतलब इस ऑब्जर्वर को जो आवाज सुनाई देगी ना वो रियल से पतली सुनाई देगी, रियल से पतली, एफ डैश एफ से ज्यादा रियल से पतली आवाज सुनाई देगी, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। मतलब जो इस ऑब्जर्वर को जो आवाज सुनाई देगी ना उसकी जो पिच होगी ना वो पिच क्या होगी, ज्यादा। और यहां पे एफ डैश एफ से कम आया तो इस ऑब्जर्वर को जो आवाज सुनाई देगी ना वो मोटी आवाज सुनाई देगी, रियल आवाज से मोटी, ठीक है, रियल से मोटी आवाज सुनाई देगी, मतलब कम पिच की, ठीक है। अब रियल आवाज कौन सी बोल रहा हूं मैं, जब ये साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर रेस्ट पे होते तो जो आवाज सुनाई देती ना वो रियल आवाज सुनाई देती एफ फ्रीक्वेंसी की ही, एफ की एमिट कर रहा है, एफ की ही सुनाई देती। लेकिन इस प्रेजेंट केस में अब जैसा जो हो रहा है, इस ऑब्जर्वर को मोटी आवाज सुनाई देगी रियल से, इसको रियल से पतली, इसको कम पिच की आवाज सुनाई देगी, इसको ज्यादा पिच की, यही है डोपलर्स इफेक्ट, इसको मोटी आवाज सुनाई देगी इसको पतली, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो अब देखो अभी तक मैंने क्या माना है, कोई आवाज नहीं चल रही, नो विंड ब्लोइंग, तब आए हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। अब ये जो तीनों केस है ना मैं किसके लिए पढ़ूंगा, जो अभी मैंने तीनों केस पढ़े हैं, जब आवाज चल रही हो, ठीक है। जब आवाज चल रही हो अब मैं उसके लिए ये तीनों केस पढ़ूंगा, अब हम उसके लिए तीनों केस पढ़ेंगे जब आवाज चल रही हो, ठीक है। मतलब विंड इज ब्लोइंग, विंड ब्लो कर रही हो, अब उसके लिए ये तीनों केस पढ़ेंगे, व्हेन विंड इज ब्लोइंग। और मान लो विंड की जो स्पीड है वो होगी वी डब्ल्यू, स्पीड ऑफ विंड वो होगी वी डब्ल्यू, ठीक है। तो पहला केस वही वाला, जब सोर्स रेस्ट पे हो ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, सोर्स एट रेस्ट
एंड ऑब्जर्वर मूविंग, ठीक है। लेकिन अब हवा चल रही है, विंड इज ब्लोविंग, और जो विंड की स्पीड है ना वो VW है। तो यहां पे भी दो केस पड़ेंगे, एक तो विंड ऐसे ब्लो कर रही हो, ठीक है, और एक विंड ऐसे ब्लो कर रही हो, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहला केस सोर्स रेस्ट पे और ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो। सोर्स ये है साउंड का सोर्स, मान लो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है एफ, ठीक है, सोर्स रेस्ट पे है, और ये ऑब्जर्वर ओ वन, ये ऑब्जर्वर ओ टू, ये दोनों ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं। ऑब्जर्वर की स्पीड है वी नॉट, वी नॉट, ठीक है। तो देखो ये साउंड वेव एमिट करेगा ऐसे, तो साउंड की जो स्पीड है ना इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, इनफैक्ट इन स्टिल एयर, मतलब जब आवाज ना चल रही हो, वो है मान लो वी, ठीक है। जब कोई आवाज ना चल रही हो, वो स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, वो है वी। तो इसको मैं एक तरह से ये भी कह सकता हूं, ये साउंड की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू विंड, ऐसा ही बोल सकता हूं ना। मान लो आप तो यहां पे हवा चल रही है, हवा के ऊपर बैठ जाओ, जो विंड ब्लो कर रही है उसके ऊपर बैठ जाओ, तो ये वी क्या आएगा, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड आएगा ना। तो इसको दो तरीके से बोल सकते हो, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड भी बोल सकते हो, ठीक है, इस वी को, या स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर वो भी बोल सकते हो। तो स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर वो वी है, या स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड वो वी है। लेकिन अब यहां पे हवा चल रही है, अब जो केस पड़ेंगे ना, हवा चल रही है, और मान लो अब हवा इस डायरेक्शन में चल रही है VW से, और ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। तो यहां पे स्पीड ऑफ साउंड इन रियलिटी क्या आ जाएगी, इस वाले लेफ्ट वाले पोर्शन में इस तरफ वो कितनी आएगी यूजिंग रिलेटिव मोशन। तो देखो ये वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। तो यहां पे लेफ्ट वाले पोर्शन में स्पीड ऑफ साउंड वो कितनी आ जाएगी, ऑब्वियसली वी माइनस VW, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड ऐसे वी है विद रिस्पेक्ट टू विंड, और यूजिंग रिलेटिव मोशन स्पीड ऑफ साउंड इन रियलिटी क्या आ जाएगी, ऐसे वी माइनस VW, ऐसे VW लगाना होगा ना, ऐसे वी ये तो क्या, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड, और विंड ऐसे चल रही है VW स्पीड से, समझ रहे हो ना। तो इन रियलिटी स्पीड ऑफ साउंड वो क्या आ जाएगी, ऐसे वी माइनस VW, ऐसे VW लगाना होगा, तो ऐसे वी और ऐसे VW, वी ऑब्वियसली VW से ज्यादा होगा, तो ऐसे वी माइनस VW आ जाएगी स्पीड ऑफ साउंड इन रियलिटी, इस लेफ्ट वाले पोर्शन में ऐसे आएगी स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। और यहां पे देखो स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड ऐसे है वी, और विंड भी ऐसे चल रही है, तो ऐसे VW लगा दूंगा, तो V प्लस VW ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन रियलिटी, ठीक है। तो विंड ऐसे चल रही है VW स्पीड से, तो स्पीड ऑफ साउंड लेफ्ट वाले पोर्शन में ऐसे आया है वी माइनस VW, ये हर केस में यूज होगा, और राइट वाले पोर्शन में ऐसे आया है वी प्लस VW, ठीक है। तो अब देखो, जो इस ऑब्जर्वर को
आवाज सुनाई देगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश। एक बार उस पे जाओ जब कोई आवाज नहीं चल रही थी, उस फॉर्मूले पे जाओ तो क्या आया था, वी प्लस वी नॉट बाय में वी इन टू में एफ, ये आया था। ठीक है, वी क्या था, स्पीड ऑफ साउंड, जब कोई हवा नहीं चल रही थी, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, या एक तरह से स्पीड ऑफ साउंड था। तो यहां पे ये वो वी, यहां पे वी माइनस वी डब्ल्यू हो गया, लेफ्ट वाले पोर्शन में स्पीड ऑफ साउंड वी माइनस वी डब्ल्यू हो गया, जो कि वहां पे क्या था, वी था जब कोई हवा नहीं चल रही थी। तो वी की जगह क्या पुट कर दो, वी माइनस वी डब्ल्यू, बस जहां जहां पे वी है उसकी जगह क्या पुट कर दो, वी माइनस वी डब्ल्यू। ठीक है, ये आ गया। तो लेफ्ट वाले केस में मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, ये आएगी वी माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी नॉट बाय में वी माइनस वी डब्ल्यू इन टू में एफ। और राइट वाले केस में इसमें इस ऑब्जर्वर को किस फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश। तो देखो यहां पे तो हवा चल रही है, विंड ब्लो कर रही है ऐसे, सोर्स रेस्ट पे है, ये ऑब्जर्वर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम दिस सोर्स, और ये ऑब्जर्वर टुवर्ड सोर्स मूव कर रहा था। तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी ये आई जब विंड ऐसे ब्लो हो रही है। तो एक बार उसमें जाओ जब कोई विंड ब्लो नहीं कर रही थी, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आई थी इस केस में, जब सोर्स रेस्ट पे था और ये ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स मूव कर रहा था, ये क्या आई थी, उसी का यूज होगा क्योंकि वी माइनस वी नॉट बाय में वी इन टू में एफ, ये आई थी जब कोई हवा नहीं चल रही थी, नो विंड ब्लोइंग। तो वी क्या था, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट एयर, इन दैट स्टिल एयर। तो यहां पे उस वी की जगह क्या पुट हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इस प्रेजेंट केस में जब विंड ऐसे ब्लो हो रही है, और वो क्या है, वी प्लस वी डब्ल्यू, तो वी की जगह है वी प्लस वी डब्ल्यू पुट कर दो बस, वी की जगह है वी प्लस वी डब्ल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, ये आ गया अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब आओ इस वाले केस में, जब विंड ऐसे ब्लो कर रही है और मेरा साउंड सोर्स रेस्ट पे है, ठीक है, विंड ऐसे ब्लो कर रही है और ये मेरा ऑब्जर्वर O1 हो गया, ये इस तरफ चल रहा है वी नॉट स्पीड से, और ये ऑब्जर्वर सॉरी उस तरफ चल रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर सॉरी अवे फ्रॉम सोर्स वी नॉट स्पीड से। ठीक है, तो अब देखो ये साउंड सोर्स ऐसे साउंड वेव एमिट करेगा, बिल्कुल मान लो इस साउंड सोर्स की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ना वो एफ है, ठीक है, ये भी ध्यान रहे। तो वी क्या आएगी, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर या विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये भी ध्यान रहे, ये वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड या इन स्टिल एयर। ठीक है, तो ये वी लेफ्ट वाले पोर्शन में स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड है, और विंड ऐसे चल रही है वी डब्ल्यू से, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या आ जाएगा, वी प्लस वी डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे वी डब्ल्यू लग जाएगा, वी तो था ही, ऐसे वी डब्ल्यू और लग गया यूजिंग रिलेटिव मोशन। और राइट वाले पोर्शन में आओ, ये क्या, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड, और विंड ऐसे चल रही है वी डब्ल्यू से, तो स्पीड ऑफ साउंड इन रियलिटी क्या आ जाएगा, यहां पे ऐसे वी डब्ल्यू लग जाएगा, तो ऐसे क्या आ जाएगा, वी माइनस वी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट वाले पोर्शन में जो स्पीड ऑफ साउंड आई है वी प्लस वी डब्ल्यू ऐसे, राइट वाले पोर्शन में जो स्पीड ऑफ साउंड आई है वो ऐसे वी माइनस वी डब्ल्यू। ठीक है, तो अब आओ एफ डैश जो फॉर्मूला था, जब सोर्स रेस्ट पे था ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, जब ऑब्जर्वर टूवर्ड्स सोर्स मूव कर रहा था
और जब कोई हवा नहीं चल रही थी तो फॉर्मूला क्या आया था, यह आया था वी प्लस वी नोट बाय में वी इंटू में एफ, ये आया था ना। जब कोई हवा नहीं चल रही थी, सोर्स रेस्ट पे था और ऑब्जर्वर ऐसे मूव कर रहा था टुवर्ड्स सोर्स वी नोट से, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ये आई थी। वी क्या था वहां पे, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट स्टिल एयर या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब यहां पे तो हवा चल रही है ऐसे वी डब्ल्यू, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है लेफ्ट वाले पोर्शन में, ऐसे वी प्लस वी डब्ल्यू, तो वी की जगह क्या पुट कर दो, वी प्लस वी डब्ल्यू, बस वी की जगह है वी प्लस वी डब्ल्यू पुट कर दो बस, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आओ राइट वाले केस में, एफ डैश अपीरेंट फ्रीक्वेंसी, जब सोर्स रेस्ट पे और ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स मूव कर रहा था वी नोट स्पीड से, और जब कोई हवा नहीं चल रही थी तो फॉर्मूला क्या आया था, वी माइनस वी नोट बाय में वी इंटू में एफ। लेकिन अब यहां पे हवा चल रही है ऐसे ऐसे विंड ब्लो हो रही है वी डब्ल्यू स्पीड से, तो वहां पे तो जब कोई हवा नहीं चल रही थी वी क्या था, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट स्टिल एयर या स्पीड ऑफ साउंड इन दैट एयर। ठीक है, तो यहां पे स्पीड ऑफ साउंड क्या आई, जब ऐसे विंड चल रही है तो राइट वाले केस में स्पीड ऑफ साउंड ऐसे आई वी माइनस वी डब्ल्यू, तो वी की जगह क्या पुट कर दो, वी माइनस वी डब्ल्यू। ठीक है ना, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो ये है जब सोर्स रेस्ट पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, सोर्स रेस्ट पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, सोर्स रेस्ट पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, जब विंड ऐसे ब्लो हो रही हो तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले ये दोनों हैं, और जब विंड ऐसे ब्लो हो रही हो तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी के ये दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए, जब ऑब्जर्वर टूवर्ड्स सोर्स मूव कर रहा हो, और ये जब ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स मूव कर रहा हो, ये फॉर्मूला विंड ऐसे ब्लो हो रही हो ऑब्जर्वर टूवर्ड सोर्स मूव कर रहा हो तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, और विंड ऐसे ब्लो हो रही हो और ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स मूव कर रहा हो तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही आएगा। ठीक है, तो अब आओ नेक्स्ट केस पे, केस नंबर टू। ये क्या है, क्या था केस नंबर टू, ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो और सोर्स मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर एट रेस्ट एंड सोर्स मूविंग, यही था ना केस नंबर टू। ठीक है, और यहां पे विंड ब्लो कर रही है, इस वाले केस में विंड ऐसे ब्लो कर रही है, इस वाले केस में विंड ऐसे ब्लो कर रही है। ठीक है, लेकिन यहां पे ऑब्जर्वर रेस्ट पे होंगे और सोर्स मूव कर रहा होगा, ये क्या मेरा सोर्स, और सोर्स इस डायरेक्शन में वीएस से मूव कर रहा है मान लो। ठीक है, इस डायरेक्शन में वीएस से मूव कर रहा है सोर्स, तो अब देखो ये मेरा ऑब्जर्वर ओ वन रेस्ट पे, ये मेरा ऑब्जर्वर ओ टू रेस्ट पे। ठीक है, और ये जो सोर्स है ना ऐसे वी एस से मूव कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव एमिट कर रहा है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, और विंड ऐसे ब्लो हो रही है वी डब्ल्यू स्पीड से, तो स्पीड ऑफ साउंड इन दिस एयर वो क्या आ जाएगी, ऐसे वी माइनस वी डब्ल्यू, और यहां पे ऐसे वी प्लस वी डब्ल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इस ब्लोइंग एयर में स्पीड ऑफ साउंड आ गई है, तो अब देखो इस ऑब्जर्वर को किस फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी, एफ डैश अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो किस फॉर्मूले का यूज करना होगा, एक बार किस फॉर्मूले पे जाओ, जब कोई विंड ब्लो नहीं कर रही थी। ठीक है, जब कोई विंड ब्लो नहीं कर रही थी, और देखो यहां पे ये सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और यहां पे ये सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ध्यान रहे, तो जब कोई विंड ब्लो नहीं कर रही थी और
सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, तो जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया था यह आया था वी बाय में वी प्लस वी एस इंटू में एफ, ये आया था। ठीक है, तो अब आओ इस प्रेजेंट केस में जब ऐसे विंड ब्लो कर रही है, तो देखो जब कोई विंड ब्लो नहीं कर रही थी तो वहां पे वी क्या था, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट स्टिल एयर, वहां पे वी ये था। लेकिन अब यहां पे विंड ऐसे ब्लो कर रही है वी डब्ल्यू से, और लेफ्ट वाले केस में स्पीड ऑफ साउंड इन दिस एयर ये आई है v माइनस वी डब्ल्यू, तो v की जगह बस v माइनस वी डब्ल्यू पुट हो जाएगा। ठीक है ना, और अब यहां पे आओ, तो देखो जब मेरा सोर्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा था और कोई विंड ब्लो नहीं हो रही थी, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, ये आई थी v बाय में v माइनस वी एस इंटू में एफ। तो अब देखो ऐसे विंड ब्लो कर रही है और मेरा सोर्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड ये क्या है, ऐसे वी प्लस वी डब्ल्यू, जब कोई विंड ब्लो नहीं कर रही थी तो स्पीड ऑफ साउंड वी थी, तो वी की जगह क्या पुट हो जाएगा, वी प्लस वी डब्ल्यू, वी प्लस वी डब्ल्यू, वी की जगह क्या पुट है, वी प्लस वी डब्ल्यू बस। ठीक है, तो ये आ गया, ये आगे फॉर्मूले। ठीक है, तो अब आओ विंड ऐसे ब्लो कर रही है और मेरा ये सोर्स इस तरफ मूव कर रहा है साउंड सोर्स वी एस स्पीड से, और ये ओ वन ऑब्जर्वर और ओ टू ऑब्जर्वर रेस्ट पे हैं दोनों, लेकिन अब विंड ऐसे ब्लो कर रही है। ठीक है, तो यहां पे इस लेफ्ट वाले केस में स्पीड ऑफ साउंड ऐसे कितनी आएगी, v प्लस वी डब्ल्यू, राइट वाले केस में स्पीड ऑफ साउंड ऐसे v माइनस वी डब्ल्यू। ठीक है, तो अब आओ, अब आओ f डैश पे, जब कोई विंड ब्लो नहीं कर रही थी और मेरा सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, तो जो फ्रीक्वेंसी आई थी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या आई थी, v बाय में v प्लस वी एस इंटू में f, ये आई थी ना। v क्या था, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट स्टिल एयर। अब यहां पे ऐसे विंड ब्लो हो रही है और स्पीड ऑफ साउंड क्या है इस लेफ्ट वाले केस में, ऐसे v प्लस वी डब्ल्यू, तो v की जगह v प्लस वी डब्ल्यू पुट कर दो, जहां पे v है वहां पे बस v प्लस वी डब्ल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, तो जब ऐसे विंड ब्लो हो रही हो वी डब्ल्यू स्पीड से और ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो और ये सोर्स ऐसे इस ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा हो वी एस स्पीड से, तो इस ऑब्जर्वर को जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ना आवाज की वो ये होगी। अब आओ इस पे, यहां पे सोर्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और मान लो कोई एयर ब्लो नहीं हो रही, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, वी बाय में वी माइनस वी एस इंटू में एफ, ये आई थी ना। जब मेरा ये सोर्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आई थी, और जब कोई एयर ब्लो नहीं हो रही थी, लेकिन यहां पे तो एयर ब्लो हो रही है ना, विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग, और ऐसे विंड ब्लो हो रही है, तो स्पीड ऑफ साउंड यहां पे इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में जब ऐसे विंड ब्लो हो रही है, तो ऐसे v माइनस वी डब्ल्यू होना, तो v की जगह क्या पुट हो जाएगा, बस v माइनस वी डब्ल्यू, v माइनस वी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आगे इस केस के लिए फॉर्मूले। ठीक है, तो जब मेरा ऑब्जर्वर रेस्ट पे और सोर्स मूव कर रहा हो और जब ऐसे विंड ब्लो हो रही हो और जब मेरा सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो वी एस स्पीड से, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, और जब मेरा सोर्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो विंड ऐसे ब्लो हो रही है, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, और जब विंड ऐसे ब्लो हो रही है तो
अगर मान लो सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ही आएगी, और मान लो विंड ऐसे ब्लो हो रही है और सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ये फॉर्मूलेज है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आओ नेक्स्ट केस पे, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हो और विंड ब्लो हो रही हो, ठीक है। ये सेकंड केस था। अब आओ थर्ड केस पे, विंड ब्लो हो रही है और सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूविंग, दोनों मूव कर रहे हो, ठीक है। मान लो ये सोर्स, साउंड सोर्स, ये साउंड सोर्स इस डायरेक्शन में वीएस स्पीड से चल रहा है मान लो, और साउंड एमिट कर रहा है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी एफ, ठीक है। और मान लो विंड ऐसे ब्लो रही है, और ये मान लो मेरा ऑब्जर्वर नंबर वन और ये ऑब्जर्वर नंबर टू, ये ऑब्जर्वर ऐसे वी नोट से चल रहा है और ये ऑब्जर्वर ओ टू ऐसे वी नोट से चल रहा है। तो मतलब ये वाला केस क्या है, जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग फ्रॉम ईच अदर, और ये वाला केस जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ये वाला केस जब मूविंग अवे ईच अदर, ये मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो देखो साउंड की स्पीड क्या आएगी, ऐसे विंड ब्लो हो रही है ना, तो साउंड की स्पीड ऐसे इस तरफ लेफ्ट वाले पोर्शन में वी माइनस वी डब्ल्यू आएगी, राइट वाले पोर्शन में V प्लस वी डब्ल्यू आएगी, ठीक है। तो अब देखो F डैश अपीरेंट फ्रीक्वेंसी जो आई थी जब कोई विंड ब्लो नहीं हो रही थी, इस केस के लिए अपीरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, ये क्या आई थी, V माइनस वी नोट बाय में V प्लस वी एस इंटू में F, ये आई थी जब कोई विंड ब्लो नहीं हो रही थी, और इस वाले केस के लिए अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ये आई थी, ठीक है। V क्या था, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट स्टिल एयर। अब यहां पे विंड ऐसे ब्लो रही है और स्पीड ऑफ साउंड इन दिस ब्लोइंग विंड ऐसे है लेफ्ट वाले केस में V माइनस वी डब्ल्यू, तो V की जगह क्या पुट हो जाएगा, V माइनस वी डब्ल्यू, बस जहां पे V है तो क्या पुट हो जाएगा, V माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया, जब ऐसे विंड ब्लो रही है और लेफ्ट वाले केस के लिए जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ये आएगी, जब ऑब्जर्वर और सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब आओ राइट वाले केस पे, जब कोई विंड ब्लो नहीं कर रही थी और सोर्स और ऑब्जर्वर मूव कर रहे थे टूवर्ड्स ईच अदर, तो जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आई थी वो कितनी आई थी, वी प्लस वी नोट बाय में वी माइनस वी एस इंटू में एफ, ये आई थी। V क्या था, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट स्टिल एयर, जब कोई विंड ब्लो नहीं करी थी, V क्या था, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट स्टिल एयर, तब अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आई थी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे जो विंड है ब्लो कर रही है और स्पीड ऑफ साउंड इस राइट वाले पोर्शन में ऐसे V प्लस वी डब्ल्यू है, तो V की जगह क्या पुट हो जाएगा, V प्लस वी डब्ल्यू, बस तो V प्लस वी डब्ल्यू, और यहाँ पे भी V की जगह क्या पुट हो जाएगा, V प्लस वी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो अब आओ इस केस पे, जब विंड ऐसे ब्लो हो रही है और ये मेरा सोर्स है साउंड सोर्स, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ साउंड एमिट कर रहा है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ, और ये साउंड सोर्स इस डायरेक्शन में वी एस स्पीड से चल रहा है, ये ऑब्जर्वर नंबर वन, ये ऑब्जर्वर नंबर टू, ऑब्जर्वर नंबर वन ऐसे वी नोट से चल रहा है, ऑब्जर्वर नंबर टू ऐसे वी नोट से चल रहा है। तो ये वाला केस कौन सा, जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ये जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये साउंड सोर्स साउंड एमिट करेगा ऑब्वियसली, लेकिन साउंड सोर्स चल रहा है इस डायरेक्शन में वी एस से, तो यहां पे साउंड की स्पीड इस तरफ कितनी आएगी, वी प्लस वी डब्ल्यू,
और यहां पे साउंड की स्पीड ऐसे v माइनस वी डब्ल्यू। तो जब कोई विंड ब्लो नहीं हो रही थी और जब ऑब्जर्वर और सोर्स मूव कर रहे थे अवे फ्रॉम ईच अदर, तो जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आई थी वो क्या आई थी, v माइनस वी नॉट बाय में v प्लस वी एस इंटू में f। v क्या था, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट स्टिल एयर या स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन अब इस प्रेजेंट केस में आओ, विंड ऐसे ब्लो हो रही है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, ऐसे v प्लस वी डब्ल्यू, तो v की जगह v प्लस वी डब्ल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, जब ऐसे विंड ब्लो कर रही है और ऑब्जर्वर और सोर्स मूविंग अवे ईच अदर, तो जो ऑब्जर्वर को आवाज सुनाई देगी ना उसकी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश वो इतनी आएगी, ठीक है। अब आओ इस राइट वाले केस पे, तो देखो जब कोई विंड ब्लो नहीं कर रही थी, मतलब वी डब्ल्यू क्या था, जीरो, तो जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आई थी और जब सोर्स और ऑब्जर्वर मूव कर रहे थे टुवर्ड्स ईच अदर, ये कितनी आई थी, v प्लस वी नोट बाय में v माइनस वी एस इंटू में f। अब यहां पे विंड ऐसे चल रही है और इस राइट वाले पोर्शन में स्पीड ऑफ साउंड वो v माइनस वी डब्ल्यू, विंड ऐसे ब्लो हो रही है ना वी डब्ल्यू स्पीड से, और स्पीड ऑफ साउंड इन दिस ब्लोइंग एयर वो ऐसे v माइनस वी डब्ल्यू, तो v की जगह क्या पुट हो जाएगा, v माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है ना, v माइनस वी डब्ल्यू, v माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये थे फॉर्मूले, ये जो थर्ड केस है विंड ब्लो हो रही है, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं, इस केस में विंड ऐसे ब्लो हो रही है और यहां पे जब सोर्स और ऑब्जर्वर मूविंग अवे ईच अदर, तो जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ये, और विंड ऐसे ब्लो हो रही है सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, विंड ऐसे ब्लो हो रही है अब की बार, और सोर्स और ऑब्जर्वर मूविंग अवे ईच अदर, अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, विंड ऐसे ब्लो हो रही है सोर्स और ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। और ये ध्यान रहे डॉपलर्स इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी हियर्ड होती है ना बाय ऑब्जर्वर, या अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ऑब्जर्वर, वो सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखना। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में सेपरेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्या अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा डोपलर्स इफेक्ट, ये क्या कहता है डोपलर्स इफेक्ट, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग आएगी, ठीक है, मतलब आवाज का मोटापन या पतलापन सुनाई देना, ओरिजिनल से मोटापन या पतलापन सुनाई देना ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, उसी को डोपलर्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमने केस तीन केस पढ़े थे उसमें कोई विंड ब्लो नहीं कर रही थी, मतलब वी डब्ल्यू जीरो था कहने का मतलब। उसके बाद में जो तीन केस डिस्कस करे हैं वही तीन केस, वहां पे विंड ब्लो हो रही है, ठीक है, एक बार ऐसे विंड ब्लो एक बार ऐसे। तो ये था मेरा पूरा डोपलर्स इफेक्ट बिल्कुल डिटेल में, तो इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे ना वो नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।